हेलो एवरीवन, आई एम राज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी नगर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्वागत है क्लास। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि द का कुछ और मोर यूज होता है, तो चलिए देखते हैं। वो आज देखेंगे कि द का यूज आकाश या पिंड, हेवनली बॉडीज, दिशा, डायरेक्शन, जो चीज़ वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, है ना। डायरेक्शन हो, वर्ल्ड में एक हो, अर्थ है, नेचुरल चीज़ है, हम उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना ही है आपको। दिस इज द वेरी मस्ट। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर के नामों के पहले द का प्रयोग करना है। न्यूज़पेपर देखिए, द हिंदुस्तान, टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो पेपर के आगे जो भी उसका नाम होता है, उस पेपर का नाम, उसके आगे आप द यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हिस्ट्रिकल प्लेसेस, जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस या बिल्डिंग है उसके नाम के पहले भी द यूज करेंगे, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है ना, उसके नाम के पहले भी द लगाएंगे, जैसे द तबला, द वायलिन, द गिटार, इसके आगे भी हम द लगा सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग यहाँ पे डेट्स ऑफ मंथ, मंथ का जो डेट होता है ना, उस डेट के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द फर्स्ट मार्च, द फिफ्थ ऑफ मई, इसके पहले आप द लगा सकते हैं। लेकिन डेज या मंथ के पहले द नहीं लगेगा। डेज या महीना, जो दिन होता है, महीने होता है, उसके पहले आप द नहीं लगा सकते, लेकिन उसके जो डेट होता है उसमें द लगा सकते हैं। डेज और मंथ में द नहीं लगाएंगे, जैसे इट्स मंडे, इट्स जनवरी, इट्स मार्च, इसमें नहीं लगेगा। और आप लगा दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे मिस्टेक करते हैं। तो इसको सही चीज़ को समझना है, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूँगा बनाने के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, आविष्कारों, इन्वेंशंस के नामों के पहले भी द का यूज होता है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे देख सकते हैं द टेलीविज़न, द रेडियो, है ना, इसके भी नाम के पहले आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रता के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, है ना, तो इसके पहले भी आप द यूज करना ही करना है। तो ठीक है क्लास, वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी बन जा रही है, तो इसीलिए अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें।